हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं गोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन में हम नंबर को कैसे हम शो कर सकते हैं, बट अब हम फ्रैक्शन को कैसे शो करेंगे। ओके, जस्ट इसने दिया हुआ है 4/10। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सोचेंगे 4/10 कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो इसने क्या किया, ये एक स्केल लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो इसने क्या किया है, तो जो डिनोमिनेटर आपको बताया था, जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है दैट इज़ द डिनोमिनेटर, और उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो देखिए 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 0 to 1 या आप 1 से 2 या 2 से 3 कोई भी नंबर के बीच में जितना भी रहेगा वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 4 ये इसका हम काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3 and 4। ओके, तो ये 4/10 इसको शो कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे ये मिक्स नंबर दिया आपको 3/7/10। ओके, तो 3 दैट मीन्स ये होल है, तो पूरा हम 3 लेंगे पहले। ठीक है, यहाँ 3 तक लिया और उसके बाद 7, तो उसके बाद ये 7 काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, 7 ये न्यूमिनेटर एंड 10 दिस इज द डिनोमिनेटर ना, मतलब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये 10 आ जाएगा। तो ये ऐसे शो करना है। ओके, नेक्स्ट है, लेट अस शो द फ्रैक्शन 2/3, 4/3 and 7/3। अब देखिए ये यहाँ पे तो हमने स्केल में इजीली कर दिया, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसने यहाँ पे क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर 3 है। ओके, तो हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन में दैट मीन्स कि एवरी यूनिट डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब 0 से 1 तक 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, या 1 से 2 या 2 से 3। ठीक है ना, जैसे 0 से 1 देखिए, तो 1, 2 and 3 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 1 के बाद करेंगे तो 1, 2 and 3 2 तक भी फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसे हमने 2/3, तो 0 से 1 1/3, ये तो 0/3 हो गया, 1/3 2/3 देन 4 फिर यहाँ से करेंगे 4/3 5/3। ओके, तो ये ऐसे बढ़ता इसमें जाएगा। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस सेट 11, राइट फ्रैक्शन डू द पॉइंट्स ए एंड बी शो ऑन द नंबर लाइन बिलो। ठीक है, कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पॉइंट दिया हुआ है ए एंड बी, जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें कौन सा फ्रैक्शन आएगा, हमें उसको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे करेंगे, जस्ट ये हमने एक लंबा लाइन बनाया है, नंबर लाइन में यहाँ से स्टार्ट 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी 0 देखो, 0/6 ये मतलब ये 6 पार्ट में 1 यूनिट क्या है, डिवाइडेड इंटू 6 उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, 6 इक्वल पार्ट्स में, तो 0 से 1 तक जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, या 1 से 2 तक 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो 0 से अगर हम करेंगे 0/6, 1/6, 2/6, ठीक है, 3/6, 4/6, देन हियर इज ए पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे कौन सा रहा, 5/6 है ना, देन आफ्टर 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, हियर इज 10/6। ओके, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, 11/6, 12/6, 13/6, ये हमें जहाँ पे पॉइंट दिया है वहाँ पे वो नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट इज 5/5 एंड 15/5, दैट मीन्स ये जो लंबा लाइन है उसकी जो है एवरी यूनिट डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, तो 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे, देखो हम करेंगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 है ना, तो 0 से 1 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में, ऐसे 1 से 2 तक 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें इसका फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये 5 पार्ट्स में ना, 0/5, 1/5, 2/5, हेयर इज 3/5, देन 4/5, 5/5, 6/5, हेयर इज बी में 7/5, ये हमें मिल गया। ओके, देखो 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11, 12, 13, 14 and 15/5, ये आपको मिल गया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिलअप करना है कि क्या कौन सा फ्रैक्शन आएगा। तो पहले हम देखेंगे ज़ीरो से वन तक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ज़ीरो से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर क्या आएगा, सेवन आएगा। ओके, और बी पॉइंट में कौन सा आएगा, वन टू एंड थ्री, तो थ्री अपॉन सेवन। ओके, हेयर इज थ्री अपॉन सेवन। देन यहाँ पे क्या आएगा, फोर अपॉन सेवन, फाइव अपॉन सेवन, सिक्स अपॉन सेवन, एट सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, तो हेयर इज टेन अपॉन सेवन, टेन अपॉन सेवन। ओके, तो ये कैसे हमने डिसाइड किया कि कैसे आएगा सेवन, कि यूनिट्स के ये दो, ये जो दे रखे ना दो यूनिट्स के बीच में, उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है उस यूनिट को। तो ज़ीरो टू वन, ज़ीरो टू वन को सेवन पार्ट्स में बांटा गया, या वन से टू तक भी काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन पार्ट्स में। तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको नंबर लाइन में हमको शो करना है। ओके, नाउ देखिए हमने ये बनाई है, नंबर लाइन बनाई हुई है, इसको पॉइंट करेंगे। तो इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करने का बोला, वन यूनिट को फाइव पार्ट्स में, मतलब ज़ीरो टू वन कितने में होगा, फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया, टू से टू टू थ्री। ओके, तो देखिए ये तो ज़ीरो का पॉइंट हो गया है। ओके, देन वन टू थ्री फोर फाइव, देन सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड दिस वन फिफ्टीन। ओके, अभी ये हमें पता लग गया है। तो फर्स्ट वन उसने क्या दिया है, ये यहाँ पे ज़ीरो है, स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से करते हैं। ओके, ज़ीरो तो फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, वन। ओके, हेयर इज वन, ये वन आ गया। देन वन टू थ्री फोर फाइव, हेयर इज टू, ये टू, वन टू थ्री फोर फाइव थ्री। ओके, ये थ्री आ गया। तो ये देखिए हमने फाइव, हर यूनिट को फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हम इसे शो करेंगे थ्री बाय फाइव। ओके, तो थ्री बाय फाइव कैसे आएगा, ये वन बाय फाइव, टू बाय फाइव एंड थ्री बाय फाइव, दिस वन। ओके, थ्री बाय फाइव। ओके, बाय फाइव, फोर बाय फाइव, फाइव बाय फाइव एंड दिस वन सिक्स बाय फाइव, ये वाला सिक्स बाय फाइव। ओके, नेक्स्ट टू थ्री बाय फाइव, टू जो इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए टू क्या है यहाँ पे, ये होल नंबर है, यहाँ पे मिक्स नंबर है ना, ये तो मिक्स नंबर का ये जो होता है होल नंबर होता है ये, तो इसे हमें यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। देन थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, तो थ्री, थ्री क्या होगा, इसके बाद का जो नंबर होगा। ओके, वन टू थ्री, दिस वन। ओके, ये होल आ गया पूरा, तो यहाँ पे लिख राइट हियर टू थ्री अपॉन फाइव ये। ओके, क्योंकि टू होल नंबर दिया है तो टू पूरा हमको लेना पड़ेगा, टू के बाद हमें जो नंबर काउंट करना है, ठीक है, ये जो न्यूमिनेटर है वन टू थ्री, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दिस इज अ फाइव। ओके, ये नेक्स्ट इज आ, नेक्स्ट इज थ्री, थ्री बाई फोर, फाइव बाई फोर, टू वन अपॉन फोर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फाइव इक्वल पार्ट्स में, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, फोर इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो देखिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो हम इसको पॉइंट आउट करते हैं, ये तो ज़ीरो, ज़ीरो से कितने पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, वन टू थ्री फोर, फोर पे पॉइंट किया। ओके, तो फिर वन टू थ्री फोर, दूसरा फोर पे पॉइंट किया, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट आउट कर दिया है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हियर इज़ ज़ीरो। ओके, यहाँ पे वन, ये टू, दिस वन, ये हो गया थ्री। ओके,
अब क्या बोला है, 3/4। अब हम इसे देखिए, ये किया हमने 1, 2 and 3, ये आ गया ना हमारा 3, तो पॉइंट करेंगे हम 3 को। तो हर अगर पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे पॉइंट लगा लीजिए, इसमें आपको इजी रहेगा। ये हमने सारे पॉइंट आउट कर दिए हैं, ये ओके, ये सारे पॉइंट लगा लिए हमने। अब 3/4 ओके, तो यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, दैट मीन्स हियर इज 3/4 ओके, देन 5/4, 3, 4 and 5, हियर इज ये 5/4 ओके। नाउ 2, 1/4, अब इसमें भी क्या है, 2 होल नंबर है, ये मिक्स नंबर दिया हुआ है, तो मिक्स नंबर में ये क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 1/4, तो 1 स्टार्ट ये है ना, 1 इसका, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो 2, 1/4 ओके। ये समझ में आ गया, तो भैया इतना ही है, इतना ईजी है इसको कि आप पहले नंबर लाइन बना लीजिए और जितना पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है उतने पार्ट्स को हर यूनिट को डिवाइड कीजिए, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ओके, जितना दिया हुआ आपको उतना डिवाइड करके और उसको पॉइंट आउट कीजिए ओके। नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 12, फर्स्ट वन ठीक है, तो फर्स्ट वीक देखिए 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 7, 7 1 जा 7, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका आंसर ओके। नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5 तो इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई 2/5 साथ ले लेंगे ठीक है, इक्वल टू 6 2 जा 12 ठीक है, एंड 7 5 जा 35 ठीक है, ये आ गया है। नेक्स्ट इज 5/9 मल्टीप्लाई 4/9 तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9 ओके। देन कितना, 5 4 जा 20 अपॉन 9 9 जा 81 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 7 ठीक है, तो 4 2 जा 8 एंड 11 7 जा 77 नेक्स्ट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 7 1 जा 7 अपॉन 5 5 जा 25 नेक्स्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 8 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 7 7 है तो ये क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको काट सकते हैं ना, तो 7 1 जा 7 ये एक दूसरे को काट लिए, अब हमारे पास बच गया 9/8 ये आंसर आ गया ओके। नेक्स्ट इज 5 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5 ओके। तो ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, ये तो सब काट लेंगे ना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया 1 इसका 1 1 1 n तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 तो वो जब ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसकी वैल्यू हम सिंपली 1 लिख सकते हैं ओके। ना 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ओके अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था जितना हम सॉल्व कर सकते हैं इजी करने के लिए उतना हम कर सकते हैं, तो 2 की टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6 ठीक है, तो 3 3 ओके, तो हमारे पास क्या मिल गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 17 ओके। तो यहाँ पे तो 1 बच गया था, 17 1 आ गया, 3 3 जा 9 अपॉन 17 1 जा 17
ये आंसर आ गया। ओके तो ये आपका ये हो गया है। नेक्स्ट अब इसका अशोक राव प्लांटेड बनाना ऑन 2x7 ऑन हिज फील्ड ऑफ 20 acres। ओके उसके पास उसने बोला अशोक राव के पास टोटल जो एरिया है ठीक है जो लैंड है उसकी वो कितना है 21 acres है उनके पास ठीक है। और क्या है उसके 2x7 पार्ट्स में उन्होंने क्या प्लांट किया है बनानास के प्लांट लगाए हुए हैं। ओके व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द बनानास प्लांटेशन। तो अभी ये इसमें किस में देगा फ्रैक्शन में तो हमको बनाना के जो जितने में जितने एरिया में उन्होंने बनाना का प्लांट लगाया हुआ है ठीक है उसको हमने नंबर्स में निकालना है। ओके तो हम इसे करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू इज फर्स्ट वी राइट हियर बनाना प्लांटिंग ठीक है तो कितने पार्ट्स में लगाया है उन्होंने 2x7 पार्ट्स में लगाया है। अब हम इसका टोटल एरिया जो आप उसने टोटल एरिया दे रखा है फील्ड का ठीक है ना टोटल एरिया ऑफ फील्ड ठीक है तो उनके पास कितना है 21 acres ठीक है। ओके ये आया। नेक्स्ट आप वो जो बोल रहे हैं हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन ठीक है तो हमारा जो है एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन ठीक है एरिया बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू अब हमें ये निकालना है ना तो क्या करेंगे 22/7 ओके टू ऑफ 21 acres ठीक है 21 acres का 2/7 निकालना पड़ेगा हमें कितने इतना 2/7 में है ना वो बनाना प्लांटेशन तो वो हमको नंबर्स में निकालना है। देन 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 21/ अभी देखिए कुछ नहीं है तो हम 1 डिनोमिनेटर में लेते हैं। ओके देन 2x21/7x1 ठीक है अभी इसको हमने अभी बताया था कि जितना हम छोटा कर सकते हैं सॉल्व करना चाहिए हमें ठीक तो हम सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 ओके तो 2x3/1x1 इसका जो 1 ओके तो ये हो गया। देन 2 3 जा 6/1 ठीक है तो डिनोमिनेटर में जो 1 रहता है तो उसकी वैल्यू वो लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है तो वी राइट हियर 6 तो 6 क्या निकला हमारे पास एकड़ ये ठीक है 6 acres ये एरिया और बनाना प्लांटेशन ये निकाला ना हमने यहाँ पे से ठीक है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे वी राइट हियर द आंसर लिखेंगे क्या पूछा है क्वेश्चन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन द एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन इज कितना है 6 acres ओके नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन अवर आर्मी 4/9 आर पोस्टेड ऑन द नॉर्थन बॉर्डर एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर इफ द नंबर ऑफ सोल्जर इन द नॉर्थन इज 5,40,000 हाउ मैनी आर पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट। अभी इन्होंने क्या बोला है टोटल जो हमारे आर्मी में जो सोल्जर्स हैं ठीक है उसका नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पे ठीक है उसमें से जो टोटल नंबर सोल्जर्स हैं उसमें से 4/9 जो है वो कहाँ पे है नॉर्थ बॉर्डर पे पोस्टेड हैं और 1/3 आर्मी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में पोस्टेड हो रखी है। ओके
तो इसका उन्होंने क्या दिया है, इफ़ द नंबर नंबर जो दे रखा है नॉर्थ का 4/9 का जो सोल्जर्स के नंबर दे रखे हैं वो है 5,40,000। ओके, तो किसका निकाला है, नॉर्थ ईस्ट में जो है कितने सोल्जर्स हैं, 1/3 उन्होंने फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो हम इनको नंबर्स में निकालना है। ओके ना, सॉल्व इट, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स का नहीं दे रखा है हमें, तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को हम मान लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स तो हमको नहीं दे रखे हैं, तो हम उन्हें मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हमने उनकी वैल्यू मान ली है, एक्स मान ली है। ओके, नाउ नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड ऑन नॉर्थन बॉर्डर, ठीक है, नॉर्थ बॉर्डर पे, नॉर्थन बॉर्डर में कितने हैं हमारे, नंबर निकालना है ना, नंबर लिखेंगे हम लोग पहले, नंबर ऑफ सोल्जर्स पोस्टेड ऑन नॉर्थन बॉर्डर, ठीक है। तो नंबर्स में कितना दे रखे हैं हमको, 5,40,000, ठीक है, और यही हमको फ्रैक्शन में दे रखे ना, 4/9, ठीक है। तो पहले हमने नंबर्स लिख लिए उसके, देन अभी हम इसका फ्रैक्शन में जो नंबर दे, जो फ्रैक्शन दे रखा है हमको 4/9, कितना है आउट ऑफ एक्स, सो मतलब ये कितने हैं, किस में से है, टोटल जो सोल्जर्स हैं, तो टोटल सोल्जर्स का हमें पता नहीं है, तो ये एक्स इज इक्वल टू कितने हैं, 5,40,000। ओके, ये हमारा आया, देन x की हमें वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है। फर्स्ट पहले हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5,40,000। ओके, अब हमको देखो ये वाले नंबर को किस ले जाना है, लेफ्ट से राइट में लेके जाना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल ना उल्टा कर देते हैं हम इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9/4, ठीक है। इसको जब ये साइड चेंज करता है तो इसका चेंज हो जाता है, ये आ गया है इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, देखिए साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे, 5, 4, 1, 4, 4, 3, 12, 0, 4, 5, 20, ओके, देन 0, 0, अब ये 1, 2, 3, 0 बच गए ना, इसको सॉल्व करने से हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 0। ओके, तो हमारे पास ये नंबर आ गया है, तो 4 बन जा, और ये हमारा कट के कितना आ गया है, 1,35,000, यानी 1,35,000, ठीक है। ये सब हमने किससे काटा है, 4 से काटा है, 1,35,000। ओके, आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा निकला है मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 9 से, तो अगर हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 9, देखो पहले जो 3 0 है इनको लिख लेंगे 1, 2, 3, देन 9, 5 या 45 का 5, 4 is here, ओके, 9, 3 या 27, 27, 28, 29, 30, 31, ओके, वी राइट हियर 1 and 3 is here, 9 1 जा 9, 10, 11, 12, तो ये हमारे पास कितने गए, 12,15,000। ये हमारे पास जो निकला है वो क्या निकले, एक्स, यानी कि ये हमने लिया था टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, पूरी आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई है। ओके, तो टोटल सोल्जर्स, ओके, कितने सोल्जर्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास निकल आया है। ओके, ये हमारे पास अभी तो टोटल निकला है हमें, अब हमको क्या निकालना है कि हमारा कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कितना है ना, तो नॉर्थ ईस्ट का भी हमको फ्रैक्शन में दे रखा है कि कितना, 1/3 है टोटल आर्मी का, 1/3 है, ठीक है। तो वी राइट हियर द नंबर ऑफ सोल्जर्स पोस्टेड ऑन द कहाँ का, नॉर्थ ईस्टर्न, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न, ओके, बॉर्डर,
ठीक है, कितने हैं, इज इक्वल टू 1/3, ये रखा था ना हमारे पास, तो 1/3 किसका, टोटल का, ठीक है ना, टोटल सोल्जर, टोटल सोल्जर हमने निकाल दिए हैं मल्टीप्लाई बाय 1,12,15,000, ओके ये निकला हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू, तो 3 से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 12,15,000 जो है मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम आ जाएगा, तो अपॉन 3, ओके तो इसको हम सॉल्व करते हैं साइड में, थ्री फोर जा 12, ठीक है, देन वी टेक है 1,30 का 0, 1,535 15, ठीक है ये आ गया, फिर कितने जीरो बचे, 1,2,3, 1,2,3, ओके ये हमारे पास आ गया है 4,05,000, तो ये क्या निकला हमारे पास, द नंबर ऑफ सोल्जर पोस्टेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है 1/3 का जो नंबर था वो हमारे को मिल चुका है, तो वी राइट हियर आंसर, आंसर इज 4,05,000 सोल्जर्स आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, ओके दिस इज योर आंसर, ओके ये आपका आंसर निकल आया, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12, ये फिनिश हो चुका है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे, ओके बाय।